சப்வேவோட என்டர் பாருங்க எல்லாம் அடிச்சுன்னு வருது. இப்போ பாருங்க இது வந்து சப்வே, ஏதோ கங்கையோ காவேரியோ ஏதோ நதியெல்லாம் இல்லை, மாம்பழ சங்கரமரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற மேட்லி சப்வே பாருங்க எப்படி அடிச்சுன்னு போகிறது பாருங்க. November 7th, 2021. The heaviest rainfall in half a decade caused evacuations as roads filled with water. Some residents used boats to travel and rescue others. Vehicles have been destroyed as they became submerged in water. Shops were filled with water as well, destroying food and other goods. Emergency food companies. Thank you.
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह की 8 बज रहे हैं क्योंकि आज रात भर बारिश दिया था कि अभी बाहर का रिएक्शन कैसा है। मैं आप सबको दिखाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि रात भर बारिश दिया है क्योंकि अभी तक बारिश आ रहा है क्योंकि अभी चेन्नई तमिलनाडु में बहुत ही बारिश तेज़ी से हो रहा है क्योंकि मैं अभी बाहर में आप सबको दिखाने जा रहा हूँ कि बाहर का रिएक्शन कैसा है, बाहर का हाल कैसा है। मैं आप सबको दिखाने के लिए जा रहा हूँ और मेरा साथ है जीतू और आप सब मेरे ये ब्लॉग पर आज बनते रहिए कि बाहर का कैसा रिएक्शन है। मैं आप सबको दिखाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि रास्ते पर पूरा पानी पानी हो गया है तो बारिश है। बहुत तेज से बारिश दिया था रात भर कि बहुत पानी हो गया होगा शायद रास्ते पर और मैं आप सबको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए ये कुत्ते लोग हैं, ये बाहर का नज़ारा देखिए। और इधर में एक बिल्डिंग बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इधर में। देखिए सब ये टावर ये चेन्नई में है। और ये भी अपना गर्लफ्रेंड से बात कर करके आ रहा है। अभी मैं पहुंच चुका हूं, देखिए बाहर का नज़ारा कैसा है, बाहर का कंडीशन कैसा चल रहा है। सब तो रास्ता पर पूरा पानी पानी हो चुका है क्योंकि पूरा फ्लड हो चुका है। अभी देखिए मैं आप सबको बैक कैमरा से दिखा रहा हूं, अच्छे से देखिए देखिए पूरा पानी पानी हो गया है क्योंकि अभी गाड़ी लोग जाने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है। देखिए सब तरफ देखिए पानी पानी तो हो गया है, पूरा फ्लड हो चुका है अभी तमिलनाडु में। ये एगाडूर नावालूर के सामने में है, देखिए इतना तकलीफ हो रहा है गाड़ी जाने के लिए। देखिए देखिए रात भर बारिश दिया था और इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया। देखिए ऑटो लोग कैसे जा रहा है, ये जो है तमिलनाडु में नावलूर के सामने में है। इतना ज्यादा पानी हो गया, ओह माय गॉड। अभी बाहर का सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रहा है चेन्नई का क्योंकि रात दिन बारिश दे रहा है क्योंकि ये फ्लड हो चुका है अभी तमिलनाडु में। देखिए इतना बारिश है क्योंकि हर गली में पानी पानी हो गया। देखिए मेरे हाथ में अभी तक छाता है क्योंकि बारिश आ रहा है, अभी बहुत ज़ोर से बारिश आ रहा है, अभी तक मेरे हाथ में छाता है क्योंकि मैं भीग जाऊँगा ना, इसलिए छाता लेके आया हूँ। देखिए कैसा होने से कैसा होगा, ओह माय गॉड। अच्छा लो रात भर बारिश दिया था और कुछ लोग बता रहे थे कि पूरा बाहर में पूरा रास्ते पे रोड पर पूरा पानी पानी हो चुका है तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक ब्लॉग बना दूं क्योंकि मैं आप सबको दिखाने के लिए भी आया हूं और अच्छे से देखिए क्योंकि अभी चेन्नई का कंडीशन ऐसा चल रहा है, ऐसा बारिश का मौसम भी है। तो गाइस मैं अभी थोड़ा आगे जा रहा हूँ कि आगे तक आप सबको दिखाने के लिए कि कैसा है, कैसा कंडीशन चल रहा है, कैसा सिचुएशन चल रहा है। मैं अभी एक और आगे जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सब लोग बता रहे हैं कि बहुत ही तकलीफ हो रहा है गाड़ी लोग को जाने के लिए, गाड़ी बस गाड़ी लोग हर चीज़ गाड़ी लोग जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था।
तो मैं फिर थोड़ा आगे जा रहा हूँ कि आगे तक कैसा है, सिर्फ इधर ही है ना, थोड़ा आगे तक है, तो मैं इसे कंफर्म करने के लिए थोड़ा मैं आगे जा रहा हूँ। बारिश का मौसम है, कैसे जाएगा? देखिए पूरा बारिश हो रहा है, हर गली गली में पानी हो गया, हर गली में ये। अभी कैसे जाएगा? आप इधर से जा सकते हैं आराम से जाइए, उधर में ज़्यादा पानी है, और जो नावलोर टोल गेट है ना, उधर में रास्ता को ब्लॉक कर दिया है, पानी ज़्यादा पानी हो गया। देखिए ये जो दीदी है वो काम में जा रहा है ड्यूटी में, क्योंकि वो रास्ते में बहुत पानी भी है और जाने के लिए उसको बहुत मुश्किल हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इसीलिए हम मुझे पूछ रहे थे वो कैसे जाएगा, जैसे भी जाना ही है। और मैं पूरा भीग गया हूँ, देखिए भीग गया, इतना इतना पानी है, पूरा भीग गया हूँ। हाँ पूरा पानी है, कैसे जाएगा अब? और उधर नावलर तरफ में तो और ज़्यादा पानी है बोल रहा है, अब इधर में रास्ता जो है ना पूरा ब्लॉक हो गया। देखिए इतना सारा पानी जमा हो गया, एक रात में इतना बड़ा बारिश दिया था, और देखिए इतना सारा पानी जमा हो गया है, पूरा रास्ता को पूरा ब्लॉक हो गया है, जाने की इतना तकलीफ हो रहा है। देखिए और मेरा रूम में भी पूरा पानी हो चुका है, देखिए कि सब तरफ पानी है, और इधर भी कुछ लोग रहते थे काम करने के लिए, उन लोगों का घर के अंदर भी इतना पानी हो गया है, देखिए इतना पानी हो गया है, पूरा बंद पानी हो गया है, फ्लड हो गया है चेन्नई में, अंदर में पूरा पानी घुस गया है क्या भैया? अंदर में ज़्यादा पानी है ना, वाह। देखिए गाइस इधर का कंडीशन, अंदर घर का अंदर में पूरा पानी है, पानी घुस गया रात में, इसी तरह पूरा पानी होगा ना, कैसे तरह खाना वाना कैसे खाएगा, कैसे बनाएगा? तो उसको बोलना है ना हाउस ओनर को, ये जो मेरे साथ एक भैया है, उसका रूम में पूरा पानी घुस चुका है, इसको खाना पीना खाने के लिए तकलीफ हो रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल है, हाय कर दीजिए। ये जो भैया का रूम में पूरा पानी हो गया अंदर में, मैं अभी जस्ट आया हूँ ड्यूटी से, दिखा पूरा घर के अंदर में पूरा पानी है। ठीक है भैया, देखिए ऐसा सिचुएशन चल रहा है, ऐसा कंडीशन चल रहा है, बाहर का पूरा पानी हो गया यार। हाँ सो गाइस आज के लिए बस इतने ही था, बाहर का कंडीशन सिचुएशन कैसे आपका आप लोग ने देख लिया, और आगे कैसा अपडेट और आगे तक कैसा रहेगा, मैं आप सबको अपडेट देते रहूँगा, और ऐसे चल रहा है बाहर का कंडीशन सिचुएशन, क्योंकि रात भर बारिश दिया था और मैं भी अभी तक गया नहीं हूँ, और देखिएगा, और अभी तक बारिश दे रहा है लेकिन और आज दिन में और रात तक क्या होगा पता नहीं, जैसा होगा मैं फिर कल भी मैं आप सबको ऐसे ही ब्लॉग बनाकर आप सब तक मैं पहुँचाऊँगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और तब तक के लिए बाय बाय, मिस यू, टेक केयर।
Come on.